वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 200 के बारे में कि गाइस ये इंडियन मार्केट में फ्लॉप क्यों हो गई। क्योंकि गाइस अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 10 बाइक जो कि इंडियन मार्केट में फ्लॉप हो चुकी है या बिल्कुल ही मतलब जिनका मार्केट खराब है। तो उसमें से जो पहली बाइक थी वो थी हीरो एक्सट्रीम 200। तो आज अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम जो है इंडिया में एक्सट्रीम का 200 वो बिल्कुल ही खत्म है, फ्लॉप हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, वहां पे क्वेश्चंस पूछना जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए। गाइज यहां पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट की बाइक हीरो की लेने लायक है। यहां पे लगता है कि लगभग 90% से ऊपर लोग बोलने वाले हैं कि 100cc का जो सेगमेंट है हीरो का सबसे बेस्ट है और वही खरीदने लायक है। यहां पे एक पहला पॉइंट निकल के आता है कि अगर हीरो 100cc या उससे या 100cc या 110cc के अलावा कोई भी सेगमेंट में बाइक लाता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे वो स्टेबल नहीं है। वहां पे अगर कोई भी बाइक वो लाता है तो उसके लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा, यहां पे उसको एक नई तरह की पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये भी रीजन है एक एक्सट्रीम का कि देखो एक नया प्रोडक्ट था और बिल्कुल मतलब वो सेगमेंट में हीरो की बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी। हालांकि इसके पहले ZMR या करिश्मा R थी बट वो भी अभी तो बिल्कुल ही खत्म है, उस टाइम तो थी। तो ये भी एक रीजन यहां पे आप देख सकते हो। सेकंड यहां पे अगर मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देखो मैं आपको दो बाइक को ऑप्शन देता हूँ, सेम सेगमेंट की हैं, बोल सकते हो आप 1 लाख या 200cc की है, 1 लाख रेंज में ले लो, आप चाहे 200cc की ले लो। दो बाइक्स हैं, एक बाइक है जो कि स्पोर्टी है, 1 लाख के अंदर है, सेम सेगमेंट में है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, यूथ ओरिएंटेड है और एक आपको एक थोड़ा सा अपीलिंग सा लुक देती है जब आप रोड में राइड करते हो, थोड़ा सा यूनिक सा फील कराती है। एक दूसरी ऐसी बाइक है जो कि थोड़ा सा कम्यूटर टाइप की है और उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जब आप उसको राइड करोगे तो लोग नोटिस करेंगे। जबकि उसमें मैं बोलूं तो जो पहली वाली बाइक थी जो कि स्पोर्टी है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, उसके कंपेरिजन में थोड़ी बहुत पावर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कौन सी पिक करोगे। और गाइस यहाँ पे भी सेम आंसर होने वाला है कि 90% लोग या 80% से ऊपर लोग वही स्पोर्ट्स बाइक को पिक करेंगे जो देखने में काफ़ी बेहतर होगी, लुक्स ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि गाइज आपको बताऊँ हमारे हम जो इंडियन कंज्यूमर है ना, हम लोग मतलब हम लोगों की जो राइड होती है वो सिटी में होती है, कॉलेज में होती है, हम ऐसे राइड करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों का मेन मकसद होता है कि बाइक अच्छी हो, लोगों के पास हो, ट्रस्ट भी हो, ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन देखने में काफ़ी बेहतर हो। जब लोग देखें तो नोटिस करें, मतलब जब हम यहाँ से राइड करते हुए जाएँ तो 2-3 बार देखें भाई कौन सी बाइक जा रही है, तो हम देखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स बाइक है वो ख़राब है, वो भी अच्छी है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्सट्रीम फ्लॉप होती है, क्योंकि देखो लुक्स में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी एक्सट्रीम के इंजीनियरिंग मुझे दम नहीं लग रहा है ना, मतलब कोई डिजाइन अच्छी है ना कुछ है। हालांकि थोड़ा कंप्यूटर स्टाइल से उसको बनाया गया, बट यार अभी जो अपनी ऑडियंस है, जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, उसको थोड़ा सा थ्रिलिंग या थोड़ा सा कुछ उसमें स्टाइलिश चाहिए, तो वो चीज इसमें नहीं है जिसकी वजह से लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं बाइक अच्छी होने के बाद भी। यहाँ पे जो थर्ड रीजन जो कि मैंने नोटिस किया है वो है एक राइडिंग डायनेमिक। जब आप इसको राइड करते हो ना, आप जैसे आपने कोई बाइक लेना है, मतलब 1 लाख की बाइक लेना है, आपने इसको भी कंसिडर किया, लेकिन जब आप जब नई बाइक लेने आते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि यार नई बाइक होगी, थोड़ा स्पोर्टी होगी, है ना, राइड करने में बैठने में सही होगी। लेकिन जब आप एक्सट्रीम में बैठते हो तो वही आपको टिपिकल जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक होती है 100cc या 110cc नॉर्मल वाली, वैसी ही फीलिंग होती है, मतलब कुछ आपको स्पोर्टी सा फील नहीं होता। तो ये भी एक मेरे हिसाब से एक इसका जो रीज़न है ना सेल होने का कि भाई राइडिंग डायनेमिक्स है या राइड क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है जब आप राइड करते हो। जैसे इसी सेगमेंट में अगर आप जिक्सर को देख लो या किसी भी अपाचे को देख लो, उनको जब आप राइड करते हो तो आप एक थ्रिलिंग सा आप एक स्पोर्टी सा फील करते हो, परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, नो डाउट इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, चलाने में आप एक पंच फील होता है, आपको एक पिकअप फील होता है, तो वो चीज़ है। तो जो कि मुझे एक्सट्रीम में फील नहीं हुआ यार बैठने में, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं यार कि हाँ मज़ा आ रहा है, मतलब जिसकी जो इंजीनियरिंग वर्क है, जिनकी जो R&D है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही खराब है इस गाड़ी को लेकर के। अभी आपका ओपिनियन क्या है यार, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बताओ कमेंट बॉक्स में। और डिजाइन का मैंने बता ही दिया पहले कि डिजाइन में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा, जैसे देखो एक नया प्रोडक्ट था हीरो का, एक नई लाइनअप थी 200cc में, तो डिजाइन में कुछ अच्छी रखनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रीम 200S की भी बात करूं, जो फेयरिंग वाला मॉडल है, वो भी बिल्कुल ही मतलब फेयरिंग देने से इस बाइक को देख के पता लगता है कि फेयरिंग के बावजूद भी बाइक बुरी लग सकती है, क्योंकि देखो फेयरिंग तो है बट यार वो बैठने में वो मज़ा नहीं आता, चलाने में भी वो मज़ा नहीं आता है। तो ये है। और जिसके बाद अगर मैं एक और रीज़न बताऊं तो वो है कंपटीशन का, कि देखो
अभी जो 200 सीसी का मार्केट है वहाँ पे ऑलरेडी अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, अपाचे हो गई, एनएस हो गई, या 1 लाख की सेगमेंट में अगर आप देखते हो तो जिक्सर भी हो गई, RTR 160 हो गई। तो उस टाइम पे सेम जो कंपटीशन है वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट आता है जो कि ऑलरेडी उतना बेहतर भी नहीं है, यूनिक सा भी नहीं है, तो उसको कंपटीशन में फेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो कि आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कि अगर आप एक्सट्रीम की सेल उठा के देखते हो तो वही 800-900-1000 यूनिट बेचता है 1 महीने का, या उससे भी कम कभी कभी। तो वही चीज़ है, बिल्कुल आपको समझ आएगा कि भाई कंपटीशन में बिल्कुल ही दूर तक नहीं है, क्योंकि आप एनएस की सेल उठा के देख लो या 1 लाख की सेगमेंट की जो गाड़ी है अपाचे, इनकी सेल उठा के देख लो, काफ़ी बेहतर होती है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे सबसे लास्ट रीजन जो कि पर्सनली मैंने भी फील किया है वो ये है कि देखो इसकी जो टीम है, हीरो की जो टीम है वो उतनी बेहतर नहीं है कंपेयर टू अदर ब्रांड। जैसे बजाज की टीम देख लो या डीलरशिप भी आप देख सकते हो। जैसे मैं बताऊं, बजाज में कोई भी बाइक लॉन्च होती है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, वो अगले दिन भोपाल में देखने को मिलती है। बट हीरो के साथ ये हुआ, जब एक्सट्रीम 200 आई थी तो मुझे याद है मैं 10 दिन बाद गया था, तो बोला कि भाई एक्सट्रीम दिखाई है, मतलब उन्होंने ये बोला कि अभी कुछ नहीं है, अभी हमारे, हमें ये भी नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी, मतलब अभी हमें ये भी नहीं पता कि कब आएगी, अभी आप बुकिंग करा दो बस। और ऐसा भी नहीं कि छोटा डीलरशिप था, भोपाल का जो माना जाना डीलरशिप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, मतलब डीलरशिप का जो नेटवर्क है या उनको बोल सकते हो कि गाड़ी ही अवेलेबल नहीं हो रही है, तो थोड़ा इसमें भी सेल डाउन होती है कि भाई एग्जांपल कोई कंसिडर भी कर रहा है बट अवेलेबल ही नहीं है, तो यार वो तो उसको जल्दीबाजी में या जल्दी के चक्कर में दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये भी है। और इसके अलावा मार्केटिंग टीम भी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं एक्सट्रीम की वीडियो के लिए गया था, तो हीरो वालों को तो पहली बात तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या है, मैं यूट्यूब में डालूंगा वो चीज़ें, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होता है ना अप टू डेट नहीं रहते मेरे हिसाब से हीरो के आउटलेट वाले या हीरो के जो डीलरशिप है। उसका रीजन मैं एक आपको ये बताऊं, वो ये भी हो सकता है कि उनके जो मैक्सिमम कंज्यूमर है ना, मैक्सिमम जो कस्टमर है वो 100 सीसी के हैं, और 100 सीसी के कस्टमर्स बाइक ले लेते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देते। तो जो उनके डीलरशिप में जो एजेंट होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी टीम होती है, उनको ज़्यादा ऐसे बंदों को फेस नहीं करना पड़ता जो कि टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रहते हैं। तो वही चीज़ है, ये कुछ रीजन है। इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं, या आपको और कौन से रीजन लगते हैं एक्सट्रीम 200 के फ्लॉप होने का, बताओ कमेंट बॉक्स में। और बाकी यार बाइक तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बाइक को बुरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाइक यार सही है, अपने हिसाब से अच्छा पैकेज दे रही है, वो पावर भी दे रही है, लुक्स या डिज़ाइन में तो बेकार है, डायनेमिक्स में बेकार है, चलाने में बेकार है, बट हाँ ओवरऑल अभी आपको ही डिसाइड करना है। तो बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, और बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। सी यू सून।